मेरा नाम कमल कामरान है और मेरे बच्चे का नाम अयानुल हसन है। वो 4 साल 3 महीने के हैं। शुरू में तो इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आया, फिर 3-4 दिन बाद दोबारा रिटर्न, बुखार दोबारा रिटर्न होता है। फिर यही कैफियत मतलब कि 2 महीने बच्चे की रही। हमने जनरल डॉक्टरों को भी दिखाया, फिर उसके बाद हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी दिखाया। ब्लड टेस्ट आया, ब्लड टेस्ट से पता चला कि हमारे बच्चे को ब्लड कैंसर है। हमें यहाँ रेफ़र किया कि हम यहाँ आए हैं, इनके टेस्ट वगैरह हुए। टेस्ट होने के बाद जिस रात में हम आए हैं तो हमें यही था उन्होंने कहा ब्लड लगेगा, ब्लड की कमी है। और रात में हम लोग परेशान थे कि ब्लड का बंदोबस्त किस तरह किया जाएगा। तो हमने इनसे पूछा, डॉक्टर से पूछा कि हमें कहाँ से ब्लड अरेंज करें। कहेंगे देखिए ये जो है ना, जब यहाँ आ गए इन हो गए हॉस्पिटल में तो ये हमारे बच्चे, हम यहाँ केयर करेंगे, आप यहाँ पर बस आइए, आपका बच्चा ये बिस्तर है, इसमें हमने बच्चे को देख के ख्याल करना है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमें नहीं पता 1 घंटे में कहाँ से ब्लड आया, कहाँ से नहीं आया, कहाँ से प्लेटलेट्स अरेंज हुए। तो वो दिन में जाहिर सी बात है, मुझे अभी यहाँ पे महीना हो गया है, लेकिन मैं नहीं भूलती, पेरेंट्स नहीं भूलते। हम यहाँ पे पूरे साल में 1 महीना आता है रमज़ान। हम टीवी चैनल पे रमज़ानों में सिर्फ इन बच्चों को उस एड में देखते हैं, जो डोनेट्स मांगते हैं, ज़कात मांगते हैं। हम लोग देखते हैं, आंसू बहाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और चैनल चेंज कर देते हैं। लेकिन जब अल्लाह मियां ने हमें यहाँ आके बिठाना, बीच में इन लोगों के बीच में बिठाना, तो हमें पता चला कि कितनी तकलीफ है और उनको कितनी ज़रूरत है डोनेट्स की। इंडस हॉस्पिटल में दीगर अमराज की तरह कैंसर में मुब्तला बच्चों का इलाज भी बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। आपकी ज़कात और एहतियात इन भूलों को मुरझाने से बचा सकते हैं।